मिशन जामियन चैनल में आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट परेशान हैं कि सर सेकेंड लिस्ट अभी तक नहीं आया। वैसे तो जामिया का जो शेड्यूल है लिस्ट आने का, स्कूल की लिस्ट आने के मैं खास तौर से बता रहा हूँ, वो 2 वीक का होता है। हर 2 हफ्ते में एक लिस्ट आ जाता है, लेकिन ये पिछले साल से शेड्यूल एकदम ख़राब हो गया है कह सकते हैं। जो पिछले साल सेकेंड लिस्ट आई थी वो 1 महीना लग गया था आने में, और थर्ड लिस्ट जो है 15 डेज, और 15 डेज पर फोर्थ लिस्ट आया था। तो जामिया इस साल भी लग रहा है कि वैसा ही हाल कर देगी, सेकेंड लिस्ट लाने में 1 मंथ लगा देगी। अगर 15 तक मैं इसलिए बोल रहा था कि 15 तक आ सकता है लिस्ट, लेकिन अगर 15 के बाद लिस्ट नहीं आता है तो आप ये समझिए कि आपको अब 1 महीने में ही एक लिस्ट मिलेगी, जिस तरीके से पिछले साल निकाला गया था क्लास नाइन्थ का। तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें आपको दिक्कत ये होगी कि अगर ज़्यादा अगर आप लेट करते हैं, अगस्त का अगर महीना ख़त्म हो जाता है पूरा, सितंबर आ जाता है, तो इसमें क्या होगा कि आप बाहर जो एडमिशन अगर लेना चाहेंगे, जो बच्चे क्लास नाइन्थ में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे किसी प्राइवेट स्कूल में, तो वो आप सितंबर में नहीं लेते हैं क्योंकि उन लोग का सेशन बंद कर दिया जाता है। तो इसमें आपको दिक्कत होगी, और इसी वजह से वो लोग जामिया वाले चाहते ही हैं कि बच्चे क्या होते हैं कि भागने लगते हैं, और जब भागेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग क्लियर करते हैं। और पिछले साल भी लास्ट एडमिशन अक्टूबर के लास्ट तक लिया गया था, जबकि बहुत ही हैरानी की बात है कि वो बच्चे टिके होंगे जो एकदम उनको यकीन हुआ कि सर मेरा हो जाएगा, नहीं तो अगर जिनका नहीं हुआ होगा तो उनको प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं मिला होगा, ये हालात हो गया था। लेकिन ये पिछले साल से ही इसका जो शेड्यूल है जामिया का, ये बेकार हुआ है। हर साल ऐसा नहीं होता था। मेरा सजेशन यही है कि आप सेकेंड लिस्ट तक का वेट कर लीजिए। जिनको लगता है कि मेरा हो गया है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसी सेकेंड लिस्ट भी इसी महीने के लास्ट तक आ ही जाएगा। और जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा थर्ड लिस्ट में, तो वो तो भाई इंतज़ार करें। और जिनको ऐसा लगता है कि थर्ड लिस्ट में भी मेरा नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको यही बेहतर रहेगा कि आप कहीं प्राइवेट स्कूलों में जाकर एडमिशन ले लीजिए। नहीं तो आप अगर इस जामिया के भरोसे पर रहेंगे तो हालात ये हो जाएंगे कि आपको बाद में प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट स्कूल में भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप घर वालों से अपना सजेशन ले लीजिए कि मैं सेकेंड लिस्ट तक इंतज़ार कर रहा हूँ अपने फादर से, अपने मदर से, और थर्ड लिस्ट में अगर ऐसा लगता है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तुरंत आप एडमिशन ले लीजिए, बिना सोचे समझे एकदम एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ ऐसा हुआ है जिनका साल ख़राब चला गया है। तो आप ऐसा ना करिएगा, क्योंकि जामिया का कोई भरोसा नहीं है वो कब लिस्ट निकालती है, क्योंकि उसके कंट्रोलर ऑफिस में जो क्लर्क बैठे रहते हैं उनको नहीं पता रहता है, तो हम लोगों को कैसे पता रहेगा, या किसी भी यूट्यूबर को कैसे पता रहेगा। तो यूट्यूब में ये ना देखें आखिर ये आप कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा, थर्ड लिस्ट कब आएगा, क्योंकि जो भी बताता है वो अपना एजप्शन करता है, कोई कन्फर्म नहीं बताने वाला है। हम लोग जामिया से पढ़ते हैं लेकिन हम लोग को खुद नहीं पता रहता है, पूछेंगे जाकर तो बोलेंगे क्या हम बताएं, हम आप रेगुलरली वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, हम लोग को खुद नहीं पता रहता है, ये हाल है उन लोगों का कंट्रोलर ऑफिस में। तो आप जो है रेगुलरली वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, और मिशन जामियन टीम आपको जैसे ही अगर लिस्ट आती है सेकेंड लिस्ट, तुरंत आपको अपडेट देगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मिशन जामियन ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करें।